ऑल राइट, तो आज का वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किसी लड़की को कैसे इंप्रेस कर सकते हो बिना बात किए। सुनने में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन आज आपका भाई आपको 5 ऐसी टिप्स देने वाला है जिससे आप किसी भी लड़की को इंप्रेस कर सकते हो बिना बात किए। तो सीधा चलते वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे उन भाइयों में से हो जिनको शर्म आती है, लेकिन वो चाहते हैं गर्लफ्रेंड बनाना, उनकी क्रश है, लेकिन वो शर्म की वजह से बात नहीं कर पाते, आज का वीडियो ना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। टिप नंबर 1, आपको ना अपनी क्रश के नजर में आना है। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे थे जो लड़कियों को देख के ऐसे भागते हैं ना जैसे भगवान से भूत भागता है। अपनी क्रश को देख के इतना नर्वस हो जाते हैं कि वहां से सीधा भाग जाते और उसके बाद सोचते कि भाई यार ये मेरे से इंप्रेस नहीं हो रही। अगर ऐसे नर्वस होकर भाग जाऊंगी तो मेरे भाई आप ही बताओ कैसे इंप्रेस होगी ब्रो। तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि आपको भागना नहीं है, आपको उसकी नजर में आना है। अब नजर में आने का ये मतलब नहीं है देखो मैं आ गया, देखो मैं फिर से आ गया तो ऐसे नजर में नहीं आना है। आपको नजर में कैसे आना है समझो, अगर वो आपकी क्लास में है, ट्यूशन में है या कहीं पे भी है, आपको नजर में किस तरीके से आना है समझो। वो जहां पे बैठी है ना उसके आसपास अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बनाओ और उस फ्रेंड के ग्रुप के अंदर ऐसे गुंगे मुंगे बैठने की जरूरत नहीं है। उस ग्रुप के बीच में ऐसे बैठो कि लगे कि आप लीडर हो और वो सारे आपकी बातों को सुन रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 15-16 लोगों के बीच में जाके कुछ भाषण देना है, आप नॉर्मली अपने 3-4 दोस्तों के बीच में जाके थोड़ी होशियारी मार सकते हो। इससे क्या होगा, इससे दो चीजें होगी। सबसे पहली चीज होगी कि आप उस लड़की की नजर में आ जाओगे। वरना मेरे भाई एक सच्ची बात बोलूं, आप में से बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाओगे, बहुत सारे लोग ना बता ही नहीं पाते और लड़कियों को कभी पता ही नहीं चलता कि इसको मेरे पे कभी क्रश था भी। और सेकंड काम ये करेगा कि उस लड़की की नजरों के अंदर ना आप एक थोड़े लीडर टाइप के दिखने लग जाओगे कि हां भाई ये ऐसा वैसा ऐरा गैरा लड़का नहीं है, ये इसकी खुद की भी कुछ पहचान वगैरह है। टिप नंबर 2, ये वाला गाना ना आपको अपनी लाइफ में उतारना होगा। सज धज के दशन में रहना, सज धज के दशन में के टशन में रहने का मतलब क्या है कि आपको हमेशा अपना बेस्ट लुक लेके बाहर जाना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम चप्पल और अजीब से कपड़े पहन के बाहर चले जाते हैं और क्रश दिख जाती है। अब यहाँ पे देखो दो चीजें, सबसे पहली चीज अगर आप अपना बेस्ट वर्जन में होंगे, आप अपनी बेस्ट वे में होंगे बाहर जाते वक्त, तो आप कॉन्फिडेंटली लड़की के सामने से गुजर सकते हो, बातें कर सकते हो। वैसे इस टॉपिक के अंदर बात नहीं करना है ना, तो आप वहां से निकल सकते हो। लेकिन अगर आपने कपड़े ही ढंग के नहीं पहने, स्लीपर पहन के बाहर आ गए हो, तो फिर कोई सेंस ही नहीं है ना भाई, फिर तो लड़की के सामने जाने का मतलब ही नहीं है। तो टिप नंबर 2 क्या थी, आपको हमेशा अपना बेस्ट वर्जन दिखना है, अपनी हाइजीन पे पूरा ध्यान देना है और अपनी ड्रेसिंग पे भी पूरा ध्यान देना है। स्टेप के अंदर एक छोटी सी चीज है जो आपको समझने की जरूरत है। देखो मैंने आपको कहा है आपको स्टाइल मारनी है, आपको अपना बेस्ट वर्जन दिखना है। मैंने ये नहीं कहा कि आपको ओवर स्टाइलिंग करनी है या फिर अपना कुछ ज्यादा ही आपको जो बाइक स्पीड में लेके आए ये वो, ये सब नहीं पसंद आएगा ब्रो। नॉर्मली अपनी क्रश के आगे से चल के जाओ सो दैट वो आपको अच्छे से देख भी सके। और सेकंड चीज, बहुत सारे मेरे भाई ऐसे है ना जिनको कंफर्टेबल नहीं लगता अपनी क्रश के सामने ऐसे चल के जाने में, बोलता है नहीं भाई शर्म आती है। तो उनके लिए एक छोटी सी हैक है, आपको क्या करना है मोबाइल ऐसे हाथ में पकड़ो और नॉर्मली ऐसे किसी अपने रैंडम फ्रेंड को फोन कर दो और उससे बातें करते करते हाँ मेरे भाई ये वो करते करते आप वहां से जा सकते हो। स्पीड में बाइक लेके जाना आपको लोफर दिखाएगी, लेकिन ये वाली टिप ना आपको लोफर नहीं दिखाएगी। पहली 2 टिप के अंदर आप लड़की की नजर में आ चुके हो और मेरा यकीन मानो मेरे भाई 5 टिप्स है, 3 टिप्स और बाकी है। ये 3 टिप्स के बाद आप सीधा उसके दिल में आओगे। लड़कियां ना बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और यहां पे आती है हमारी टिप नंबर 3, हमको ना कुछ ऐसा करना है कि वो अपने इमोशन के साथ इसको रिलेट कर पाए। और ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कियों को इमोशनल वे में टच कर सकती है, वो है आपका हेल्पिंग नेचर। हेल्पिंग काम कौन कौन से हो सकते, किसी जरूरतमंद को खाना खिला देना, आपकी क्रश वहां से निकलेगी ना तो आपकी इमेज बहुत अच्छी बनेगी। और ये वाले काम करके ना आपको दुआ भी मिलेगी और आप एक अच्छा इंसान भी बनोगे। सेकंड चीज, अगर कोई ओल्ड लेडी है मतलब कोई दादी जी जा रही है और वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रही है, आप उनकी हेल्प कर सकते हो रोड क्रॉस करवाने में। या फिर आप और आपकी क्रश बस के अंदर हो और आप देख रहे हो कि कोई बुजुर्ग खड़ा है ना, तो प्लीज अपनी सीट से उठो, उनको जगह दो बैठने के लिए। ये सारी चीजें ना इमोशनल वे में टच करती है। अब शायद ये सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि भाई इससे थोड़ी लड़की पढ़ सकती है, लेकिन मेरे भाई इससे पढ़ सकती है, इमोशनल वे है ये उससे कनेक्ट होने का। और एक और चीज, ये वाली टिप आपको लड़की के दिल में जगह तो देगी ही, लेकिन साथ में आपको एक बहुत अच्छा पर्सन भी बनाएगी। टिप नंबर 4, इतनी सारी चीजें होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आपका और आपकी क्रश का आई कॉन्टेक्ट होगा। अब यहां पे एक गलती बिल्कुल भी मत करना, वो ये है कि बहुत सारे
सारे लोग क्या करते हैं, अगर क्रश उनको देख लेते हैं ना तो वो अपनी आंखें नीची कर लेते हैं, तो उसकी आईज में स्टेयर करके अपने हाथों को वेव करके ऐसे ही नॉर्मली ऐसे कहना है जैसे आप हाय कहना चाहते हो। इससे क्या होगा, आपके और आपके क्रश के बात करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये वाली चीज करने के बाद ना आप अंदर से खुल जाओगे, आपका जो डर है ना वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। आप ये चीज करके देखना, डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ भाई जो पहले डर लग रहा था ना अब वो डर नहीं लग रहा है, अब एटलीस्ट मैं जाके इससे बात तो कर सकता हूँ। टिप नंबर 5, आपकी अट्रैक्टिव बॉडी। जैसे हम लोग अगर किसी लड़की का फिजिक अच्छा होता है तो हम कहते हैं ना यार कि क्या मस्त दिख रही है, सेम वैसे ही लड़कियां भी ना अगर हमारी बॉडी अच्छी हो तो अपने अंदर अंदर बात करती है कि यार इसकी बॉडी सेक्सी है। तो अपने फिजिक पे ध्यान दो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, और मैं आपको यार बता नहीं सकता, जता नहीं सकता कि अगर आपके पास एक अट्रैक्टिव बॉडी होगी तो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा अपनी क्रश को इंप्रेस करना। तो ये 5 चीजें फॉलो करना, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर देगी आपकी क्रश को इंप्रेस करने में बिना बात किए। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना ना भूले, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।